अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुपर लाइफ प्लस। एक नई खबर सरकारी मुलाजमीन के हवाले से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज बजट है और मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, तो अब जो टीवी चैनल पर नई खबर आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करने की खबर आ रही है। उनके अपने सोर्सेज होते हैं जिसके जरिए से वो उन तक खबरें पहुँच रही होती हैं, तो उसमें बताया गया है कि 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा और उससे 17 से 22 स्केल तक की जो तनख्वाहें हैं अफसरान हैं उनकी तनख्वाहों को मुंजमद करने पर गौर किया जा रहा है। मुख्तलिफ तजावीज़ जो कि हुकूमत को दी जा रही हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके, इस हवाले से अब लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक टी वी चैनल पर आई है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि 17 से 22 स्केल तक जो के अफसरान हैं उनकी तनख्वाहों को मुंजमद करने के हवाले से गौर किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले पाक फ़ौज के अफसरान के हवाले से आर्मी चीफ ने कहा था कि हम जो अफसरान की तनख्वाहें हैं वो हम नहीं बढ़ाएंगे, जवानों की तनख्वाहें ज़रूर बढ़ाएंगे। इस तरह 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से कहा जा रहा है कि इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएँ, जबकि 17 से 22 स्केल तक के जो अफसरान हैं उनकी तनख्वाहें ना बढ़ाई जाएँ। इस पर गौर ज़रूर हो रहा है, आगे क्या होता है ये कल पता चल जाएगा। और नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने पर फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।